ईरान ने बलूचिस्तान में आतंकी संगठन जैश अल अदल के ठिकानों को एयर स्ट्राइक कर निशाना बनाया है, जिसके बाद पाकिस्तान बौखला गया है। पाकिस्तान ने अपने हवाई क्षेत्र का अकारण उल्लंघन करने की निंदा की है और ईरान को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी भी दे दी है। बता दें कि ईरान ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान में मिसाइल और ड्रोन से अटैक किया है, जिसमें 2 बच्चों की जान चली गई है। पाकिस्तान विदेश मंत्रालय की तरफ से प्रेस रिलीज जारी हुआ है, जिसमें कहा गया है, पाकिस्तान की संप्रभुता का उल्लंघन पूरी तरह से अस्वीकार्य है और गंभीर परिणामों की चेतावनी दी गई है। दोनों देशों के बीच संचार के कई चैनल मौजूद होने के बावजूद ईरान ने ये कार्रवाई की है। गौरतलब है कि यह हमला भारत के ईरान दौरे के ठीक एक दिन बाद हुआ है। बता दें कि भारत के साथ चाबहार पोर्ट को लेकर ईरान का समझौता हुआ, जिसका संचालन भारत करेगा। वहीं इस एयर स्ट्राइक पर पाकिस्तान का कहना है कि ये इसलिए इतना चिंताजनक है क्योंकि पाकिस्तान और ईरान के बीच संचार के कई माध्यम हैं, उसके बावजूद ये हमला हुआ। बयान के मुताबिक पाकिस्तान ने तेहरान में ईरानी विदेश मंत्रालय के संबंधित वरिष्ठ अधिकारी के समक्ष कड़ा विरोध दर्ज किया है। जानकारी के अनुसार हमला पाकिस्तान के बलूचिस्तान के एक क्षेत्र में केंद्रित था, जहाँ जैश अल अदल का सबसे बड़ा मुख्यालय स्थित था। बता दें कि 2012 में गठित जैश अल अदल को ईरान ने आतंकी संगठन के रूप में घोषित किया है। ये एक सुन्नी आतंकवादी समूह है जो ईरान के दक्षिण पूर्वी प्रांत सिस्तान बलूचिस्तान में काम करता है। पिछले कुछ वर्षों में जैश अल अदल ने ईरानी सुरक्षा बलों पर कई हमले किए। इसके अलावा यहाँ ड्रग्स तस्करी का भी काम होता आ रहा है। For more such updates.